नमस्कार साथियों, जय धन्वंतरी। ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो है जो आप लोगों की मदद के लिए बनाया जा रहा है, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि किस प्रकार आप हमारे अपना ऐप अपना व्यापार में अपने एप्लीकेशंस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो हमारे माई धन्वंतरी पेज पे लॉगिन है वो करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आप हमारे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आपको वेलकम और आपकी आईडी दिख रही होगी और उसके ठीक नीचे नीले रंग से अपना ऐप अपना व्यापार लिखा हुआ दिख रहा है, उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप अगले पेज पे पहुँच जाएंगे। ये आपको अपना ऐप अपना व्यापार का रजिस्ट्रेशन पेज है, जहां सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपने एप्लीकेशन का नाम प्रोवाइड करें, जैसे हम यहां पे एक नाम एप्लीकेशन को दे रहे हैं, और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन की कैटेगरी चूज करें। जैसे हमने यहां पे ऑनलाइन बिजनेस एक कैटेगरी को चूज कर लिया है। इसके पश्चात आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपको एक एनालाइजिंग योर डेटा का पेज नजर आएगा। आपके फोन पे जो नंबर आपने दिया है उस पे एक ओटीपी आएगी, उसी ओटीपी को आपको यहां एंटर करना है। और उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इस नेक्स्ट पेज में आपको सबसे ऊपर अपने एप्लीकेशन का नाम जैसे यहाँ पे दिख रहा है वो दिखेगा। उसके बाद आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड में फीड करनी है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आइकन अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसके लिए या तो आप अपना एक आइकन डिज़ाइन कर लें, या हमारे पास जो अवेलेबल आइकन्स हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लें। जैसे अभी यहाँ पे हम एक आइकन को सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं। ये आइकन सेलेक्ट करने के बाद आप रिक्वेस्ट ऑप्शन